दो दो है आपको। वेट नहीं हो रहा है मेरे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ब्लॉग मैं ऐसी हालत में कर रही हूँ, मतलब मैं एकदम नाइट शूट में हूँ और रात रात हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है इस टाइम। तो इस टाइम मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ कल अंश को सरप्राइज़ देने। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है अंश को यहाँ से गए हुए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, बट मैं उसके पास अभी तक नहीं गई, ना मैं उसे छोड़ने गई थी ना ही मैं उसके बाद गई। तो मैं अब जा रही हूँ और उसको मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ। उसको 1% भी नहीं पता है कि मैं कल मतलब उसके पास जा रही हूँ या आ रही हूँ, जो भी। तो अभी मैंने पैकिंग की है, मैं सुबह से इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे हफड़ा दफड़ी में काम चला है, तो अभी पैकिंग कर रहे हैं। मैंने अभी बैग पैक किया और बाकी हमने एप्पल्स पैक करने हैं। अभी एप्पल्स की पैकिंग स्टार्ट होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना मोटा एप्पल है, मेरे मेरे तो हाथ में भी नहीं आ रही ये एप्पल, इतने बड़े बड़े एप्पल है जो हम लेकर आए। तो एप्पल्स पैक करने हैं क्योंकि लेके जाने हैं, इतना बड़ा बड़ा एप्पल है भाई। इस जब मैंने ये एप्पल देखा ना, तो सबसे पहले मैंने इसकी एक पिक ली क्यों, मेरे हाथ में इतना बड़ा एप्पल लग रहा था। पैकिंग शैकिंग करके फिर मैं आपको मिलूँगी सुबह ही, क्योंकि मैंने सुबह निकलना है, 7-8 बजे मैं निकल जाऊँगी। और मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया, मैंने उसे ऐसा बोला है कि हम सामान भेज रहे हैं कुछ किसी के हाथ, जैसे कोई जा रहा है तो उनके हाथ सामान भेज रहे हैं। तो उसे बस ऐसा है कि भाई मेरा सामान भेज दो, क्योंकि उसको सामान चाहिए, उसको अभी तक कोई भी मतलब कोई भी आइडिया नहीं कि मैं आ रही हूँ। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके पास जाने के लिए। सारा सामान रखा हुआ है, सामान 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 सामान, अभी इसको पैक करेंगे। पापा आ रहे हैं, अभी ऊपर से इसको पैक कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, डन, आपको मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं जा रही हूँ अंश के पास, मैंने आपको रात को बता दिया था। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब बस मुझे सारा सामान लेकर पापा और मैं जाएंगे गुरुद्वारे, वहाँ पे सारा सामान छोड़ेंगे और वहीं से मैं निकल जाऊँगी। यहाँ पे सोई है हमारी मेरी मैरू, अभी तक उठी नहीं है। आई थिंक इसको पता लग चुका है कि मैं जा रही हूँ, तो ये थोड़ी सी ना सैड सैड है, इसको कल से ही पता लग चुका था, थोड़ी सी सैड है अभी। और अंश को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं आ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। अले मिलो छूना, अले मिलो छूना, बाय बाय। ठीक है, जा रही मैं, ओके बाय बहनों, चलो। फाइनली निकल चुकी हूँ और अब मेरी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। अब बस ये है कि अंश का कॉल ना आए मुझे और उसे पता ना लगे कि मैं आ रही हूँ। बाकी तो मैंने पूरा पूरा ट्राई किया है कि उसको पता ना लगे। अभी यहाँ पे हम रुके पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने, तो यहाँ से फिर हम निकलेंगे और सीधे सीधे पहुँचेंगे अंश के पास। यहाँ पेट्रोल डल रहा है ना, और उसकी खुशबू भाई इतनी अच्छी आ रही है ना मुझे, क्या खुशबू है। सुबह सुबह अभी जैसे काफ़ी टाइम बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो नौजिया जैसा हो रहा था, बट खुशबू सुबह इतनी अच्छी लग रही है ना मुझे, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी। गाइस बैल आ गया, बैल गंदा करके चला गया, शीशा पूरा शीशा गंदा कर दिया और यहाँ तक पहुँच गया था ये, अभी यहाँ तक, और मेरे दिल की धड़कन ऐसी तेज हो गई थी। मुझे इतना टाइम हो गया ना आए को, और यहाँ पे इतनी नई नई टनल्स, और ये देखो ये पुल वाला हाईवे है जो पुराना रोड था, मतलब जिसके ऊपर ये हाईवे दिखता था, तो ये वाला भी ओपन हो गया और मुझे अब पता लगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और ये नई नई टनल्स खुल चुकी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो चुका है रोड। यहाँ से हम एक और यहाँ से हम एक और टनल में एंटर हो रहे हैं। टनल्स ही टनल्स, टनल्स ही टनल्स। आज तो
सो लिए, उठ गए, लेकिन फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम स्पेंड ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी सुबह से मतलब उठे हैं या जो भी, टाइम ही नहीं निकल रहा है यार। तो अभी छोटू सा ब्रेक ले रही लेने के लिए रुके थे हम, वॉशरूम वगैरह गई, मैं फ्रेश हुए थोड़ा सा। तो पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि टाइम नहीं स्पेंड हो रहा, टाइम नहीं स्पेंड हो रहा। जिस ढाबे में हम लोग रुके हैं ना, उसके वॉशरूम आई थिंक पूरा ढाबा उसमें कवर हो सकता है, एक जितने बड़े इसके वॉशरूम्स हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, इतने में तो मेरा एक घर बन जाएगा जितने में इनका वॉशरूम बना हुआ है। इतना बड़ा एरिया, स्कूटर भी है, ऑटो भी रखा हुआ है बीच में, और इतना बड़ा वॉशरूम है। दैया दैया, इतना तो भाई सही में एक घर बन जाएगा किसी का। आपको लग गई है थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी, तो क्रंचिंग के लिए मैं लेके आई थी घर से ये एप्पल, इतने बड़े बड़े एप्पल, तो इसमें से मैं एप्पल खाऊंगी अभी। दो दो एप्पल, कौन सा एप्पल? एप्पल 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 एप्पल, टेस्टी टेस्टी एप्पल्स। अंश तेरे लिए भी आ रहे एप्पल। Finally, I reached here. And उसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ। सबसे पहले तो चाबी लूँगी यहाँ से, यहाँ तो मुझे भी नहीं पता बेल कहाँ है, क्या है और क्या नहीं है। बजी बेल, बजी बेल। तो फाइनली मैं उसके रूम में पहुंच चुकी हूँ। अरे आप, ऐसे चिपचिपी सी गर्मी है, गंदी सी गर्मी, शायद अभी आई हूँ काफ़ी टाइम बाद मुझे तब लग रहा है। और इस लड़की ने इतना गंद डाल के रखा है, मतलब मैसी करके रखा है, चादर भी नहीं बिछाई है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं वो कर लेती हूँ, थोड़ा सा खुद फ्रेश हो जाती हूँ फेस वॉश वगैरह करके, तो अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर तब को शायद वो आ भी जाएगी। और मैंने आंटी जी से ना बाहर लॉक लगवा दिया है, ताकि उसको बिल्कुल 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 सा भी ना पता लगे कि मैं आई हूँ। सामान मैंने सारे सेटल कर दिया है यहाँ पे, अब बस थोड़ा सा इसका रूम सेटल करती हूँ और फिर खुद फ्रेश होती हूँ, फिर आपको रिएक्शंस मिलेंगे उसके, जैसे मैं एक्सपेक्ट करी हूँ, होप सो वैसे। अभी तक तो जैसे मैंने प्लान किया था वैसा प्लान चल रहा है एकदम, बट आगे का भी वैसा होना चाहिए। आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, और पूरा एंड तक देखना ये वाला ब्लॉग, बने रहिएगा आगे की रिएक्शंस के लिए। मेरे को इसकी चादर ही नहीं मिलती अब, पता नहीं कहाँ रखी गई है ये लड़की। ये भी हुआ, उसको कोई आइडिया भी नहीं कि उसको ऐसे चादर सेट भी मिल जाएगी यहाँ पे। ये तो रह गया उसका। अब मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, अभी पता लगा है कि वो बस थोड़ी देर में आने वाली है। मैं एकदम चुपचाप बैठ जाऊंगी यहाँ पे, जैसे मुझे कॉल आएगा कि हाँ यहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं वैसे ही रेडी हो जाऊंगी। वेट नहीं हो रहा है मेरे से, कब से वेट कर रही हूँ उसका, पता नहीं कब पहुँची हो जाएगी। और मैं यहाँ कैमरा ऑन करके बैठी, वीडियो बना लिया है।
भाई तू ऐसा कैसा आई कि बारिश ले आई। हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है और हम सब खड़े हैं यहाँ पे। पता बारिश लेके आया, कुल्लू से बारिश लेके आया, ठंडी लेके आई मैं, ठंडी इतनी तेज बारिश हो रही है तो खड़े होने का भी कोई तुक नहीं बनता। अब बताओ अब क्या करें, हम क्या किया जाए, भीगा जाए, भीगा जाए। और यहाँ आते ही हो गए गोलगप्पे स्टार्ट, क्योंकि है गोलगप्पा लवर एंड हियर इज आवर चाट खापरी। आपसे इसने गलत बोला, 2 घंटे बाद मुझे खाने को मिला भैया। सॉरी सॉरी माय बैड। अब खाने लगी है ना तो बस खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। और मेरी बारी, इसने क्या किया, पहले तो मैं 2 बजे यहाँ पहुँची हूँ, 2 बजे पहुँचने के बाद मुझे पता ही नहीं था तू पहुँची है। अगर पता नहीं होता है तो बंदा पहले पूछता है, दीदी जी आपने कुछ खाना है, कुछ खाना है। मुझे लगा दीदी जी कब क्या होंगे, दीदी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब जाके 5 बज रहा और अब मैं कुछ खाया। और इसको देख लो मुंह लबेड़ लिया, खाना तो सीख ले पहले। हेलो, तो ये हमारे पीछे पीछे आ गया, हम रोड से आ रहे थे साथ में ही आ गया ये। अरे वापस तूने मुड़ा एक बार भी, बिल्कुल साथ में आया ये, आया आई वो नहीं मुझे पता ही है बट एकदम साथ में आ गया है। जाओ बेटा और कुत्ते काट जाएंगे तेरे को, नहीं तो थक गया है वो बेचारा। यार चाहिए यार बेचारे को, मानो मानो मैरी की याद आ रही है इसको देख के, मानो इसको हमने बिस्किट दे, इसने बिस्किट भी नहीं खाया। तो गाइस फाइनली फाइनली मार्केट से हम लोग आ चुके हैं, मतलब काफ़ी देर पहले आ गए थे हम लोग, और खा पी के चेंज वेंज करके बहुत कुछ किया यहाँ पे। अंश के लिए जो भी सामान लेकर आई थी सारा अनपैक किया, वो इसने अभी सेटिंग की है। और आज का दिन तो ऐसा रहा ना कि मैं आई, पहले तो थकी पड़ी थी, आई आके फिर हम लोग मार्केट गए, और मार्केट जाते जी इतनी झमाझम बारिश लगी है कि ऐसा हो गया सब कुछ, ऐसा इतना ज़्यादा थक गए ना आके, मतलब पूरे गीले हो गए थे, गीले गीले में मार्केट घूमी है। और फिर आके खाने का भी मन नहीं कर रहा था, पता नहीं या वेदर चेंज है या कुछ है, उस वजह से मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा था। और अब तो बस मैं रेस्ट करूँगी, कल इसका फेस्ट है, कुछ फंक्शन है इसका, तो आई थिंक ये लोग फंक्शन में जाएंगे। कल इसकी प्रेशर्स है, तो जैसा भी होगा जो भी होगा वो आपको कल के व्लॉग में दिखेगा, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। तो इससे पूछ लेते हैं इसका, इसको कैसा लगा आज, कि इसको सरप्राइज कैसा लगा, बताओ भाई सरप्राइज कैसा लगा आपको? सरप्राइज आपको मेरा रिएक्शन देखने को मिल गया होगा, पीछे से जब एंट्री मारी मैंने करके चलाई, बस सरप्राइज ऐसा था, मजा ही आ गया। कोई कोई मेरे को ना 1% वो नहीं होने दिया, शक जिसको बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये आ रही है या मेरा सामान आ रहा है, क्योंकि मेरे को ये बोला था कि मेरा सामान आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने इसको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो बस आज का दिन ऐसा ऐसा था, और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अब आगे व्लॉग्स आते रहेंगे, बट शायद थोड़ा थोड़ा लेट आए क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ, थोड़ा हेक्टिक भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लेट आ सकते हैं व्लॉग। बाकी जब भी व्लॉग आएंगे अपना प्यार बनाए रखना, तब तक के लिए बाय बाय। अरे यहाँ पे आइए, सुन सुन सुन, ये यहाँ पे आइए, हेक्टिक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरा काम करने आई है। काम तो करना पड़ेगा। चलो गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। हवाई बे गाइस, मजा आ गया, मजा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम शायद खराब है। कुल्लू के लोग है भाई, ठंड नहीं लाएंगे तो क्या लेके आए। कितना मजा आ रहा है।
आज कम है क्या? मेरा तो यही होता है पुंतर से मंडी, मंडी से रोपड़, रोपड़ से पंजाब, पंजाब से रोपड़, रोपड़ से। अच्छा रोपड़ से पंजाब, रोपड़ से पंजाब के लिए आपका वाला।